तक आपने देखा कि कैसे अमित को एक जेल में बंद कर दिया जाता है, उसके बाद उसके साथ क्या होता है, आइए देखते हैं। साहब ये देखो, ये क्या कर रहा है? मुझे लगता है इसे सेडेटिव देकर सुलाना होगा। सुमित तू ऐसा कर, जाके किसी डॉक्टर को बुला ला। अबे रात को 3 बजे कहां से लाऊं मैं डॉक्टर? ये बहस करने का वक्त नहीं है, कुछ भी कर, नहीं तो ये हमें कच्चा चबा जाएगा। ठीक है मैं अभी आया। यहां पर, यहां तेरी मदद के लिए ज्यादा लोग नहीं है, ध्यान रखा। तभी वहां से पुलिस इंस्पेक्टर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हमें अर्जेंटली पुलिस थाने में एक डॉक्टर चाहिए। तभी वार्ड बॉय बोलता है, मैं अभी सर को बुलाता हूं। तभी पुलिस इंस्पेक्टर डॉक्टर के कैबिन में जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है, डॉक्टर आपको हमारे साथ पुलिस थाने आना होगा, हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। तभी डॉक्टर थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए बोलता है, यहां हॉस्पिटल वाले ड्यूटी लगा देते हैं और ऊपर से तुम लोग, हम डॉक्टर क्या इंसान नहीं होते? तभी इंस्पेक्टर को थोड़ा सा गुस्सा आता है, देखो डॉक्टर ये कोई मामूली केस नहीं है, मैं इससे ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन आपको अभी मेरे साथ ही आना पड़ेगा। तभी डॉक्टर बोलता है, ऐसे कैसे आना पड़ेगा, मेरी ड्यूटी है हॉस्पिटल की, मैं कैसे छोड़कर आऊंगा? तभी पुलिस इंस्पेक्टर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, देखो मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम पर पुलिस अफसर के काम में दखलंदाजी करने का चार्ज लगा सकता हूं। तभी डॉक्टर थोड़ा परेशान होता है और सोचता है, ठीक है चलता हूं मैं। इस दौरान पुलिस थाने में, सिन्हा दूसरे पुलिस स्टेशन से बैकअप बुलाओ। तभी अमित इंस्पेक्टर के काफी नजदीक आ जाता है। तेरी इतनी हिम्मत क्या? और उसके बाद अमित ने उसको पीछे की तरफ धक्का दे दिया। राघव सिन्हा कुलकर्णी इस लड़के को पकड़ो तुरंत। तभी पुलिस इंस्पेक्टर डॉक्टर से कहता है, जल्दी इंजेक्शन तैयार कर लो जल्दी। डॉक्टर, हाँ मैं तैयार ही कर रहा हूं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तभी अमित को थोड़ा सा गुस्सा आता है। यहां डॉक्टर अमित को बेहोशी का इंजेक्शन देता है। तभी अमित को चिलमिलाहट होती है और वो सबको धक्का दे देता है। उसके बाद वो डॉक्टर की गर्दन को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी पीछे से पुलिस वाला कहता है, उसे क्यों पकड़ रखा है, दम है तो मेरे सामने आ। अमित अब डॉक्टर को छोड़कर राघव को पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी सेडेटिव का असर होने लगा। अब अमित बेहोश हो चुका था और दोनों इंस्पेक्टर एक दूसरे से बातें करने लगे। लगा नहीं था यार ये इतना भगाएगा। हाँ भाई इसने तो पूरी हवा ही निकाल दी। अगले दिन सुबह अमित के माता पिता एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तभी, ये सब क्या हो गया है, हमारा अमित छोटा था, अब तो उसके करियर की शुरुआत होने वाली थी। करियर को छोड़ो, पहले उसे जेल से बाहर निकलना होगा। मैं देखता हूं कोई वकील मिल सकता है तो, क्या करें। आगे अमित के पिता एक वकील के पास जाते हैं। देखिए सर, सीरियल किलिंग के जुर्म में पकड़ा गया है, मुझे नहीं लगता ये बच सकता है, मैं तो ये केस नहीं ले पाऊंगा। तभी अमित के पिता वकील से कहते हैं, कोई और वकील जो ऐसे केसेस लेता हो? वकील कहता है, हाँ एक वकील है लेकिन वो बहुत फीस लेते हैं। तभी अमित के पिता उससे कहते हैं, चलेगा चलेगा, मुझे वकील की सख्त जरूरत है। तभी वकील साहब उसको एक कार्ड थमाते हैं।
ठीक है, इस कार्ड में सब डिटेल्स लिखे हैं। जेल में अमित की आंख बस खुल ही गई थी तभी अमित बोलता है, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा बदन मानो किसी ने तवे पे रख दिया हो। ये क्या हो रहा है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ यार, ये कहाँ हूँ मैं। तभी बाहर से देख रहे दोनों इंस्पेक्टर अमित को देखते हैं। साहब ये देखो, वो लड़का उठ गया है। दूसरा पुलिस ऑफिसर, उसे बांध कर ही रखो, आज ही उसे ले जाकर जेल डालेंगे। जी साहब। तभी अमित थोड़ा बाहर निगाहें करता है तो देखता है कि वहाँ बहुत सारे पुलिसकर्मी उसके आसपास नजर आ रहे हैं और उसको महसूस होता है कि वो जेल की चार दीवारियों में कैद है। तभी बोलता है, ये सब क्या हो रहा है, इतने सारे पुलिस अफसर और मैं यहाँ जेल में कैसे आया। तभी जेल की कोठरी से निकाल कर अमित को बाहर ले जाया जा रहा है। तभी वो मन ही मन सोचता है, अगर अब मैं किसी को कुछ कहूंगा तो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का यार। अब अमित को किसी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है और वहां पर उसको खूंखार कैदी नजर आते हैं और उनको देखकर बोलता है, ओ शिट, ये मैं, ये लोग तो मुझे एक मिनट में कच्चा चबा जाएंगे। दूसरी तरफ वकील के ऑफिस में, मैं एक कोर्ट मीटिंग में 5 लाख रुपए लेता हूँ, मैं आपको कोई गारंटी भी नहीं दे सकता, अमित के पिता कहते हैं। ठीक है सर, मेरे पास तो कोई और रास्ता ही नहीं। कहानी जारी रहेगी।